हे गाइस, सतीश हियर, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। गाइस, इस वीडियो में मैं आपको लिनक्स की बेसिक्स कमांड बताऊंगा। गाइस, अगर आप एक बिगिनर हो, आप कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स का यूज़ करना चाहते हो, तो आपको बेसिक्स क्लियर होने चाहिए कमांड के, जो कि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो आप कोई भी लिनक्स का ऑपरेटिंग का सिस्टम यूज़ कर सकते हो। इसकी कमांड लगभग सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर सेम होती है। सो, बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हो कि हम लोग आ गए मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पर। अब हमें क्या करना है, हमें टर्मिनल ओपन करना है। अगर हमको यहाँ पर नीचे शो हो रहा है तो यहाँ से ओपन कर सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ से हम शो एप्लीकेशंस पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ टाइप करेंगे टर्मिनल एंड यहाँ आपको दिख जाएगा। अगर आपको कीबोर्ड शॉर्टकट से करना है इसको, तो कंट्रोल ऑल्ट टी की का यूज़ करोगे आप तो ये ओपन हो जाएगा। तो भाई, सबसे पहली जो कमांड है वो है PWD। PWD कमांड का क्या मतलब है, प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। जिस डायरेक्टरी के अंदर अभी हम करंटली वर्किंग है वो इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है। ये देख सकते हो आप, स्लैश होम, ये रूट फोल्डर है हमारा, रूट के बाद में होम एंड गीकी में ये यूज़र नेम। तो ये करंट वर्किंग डायरेक्टरी को प्रिंट करने के लिए PWD कमांड का यूज़ होता है। नेक्स्ट कमांड है LS। हम जिस भी डायरेक्टरी के अंदर होते हैं उस डायरेक्टरी के अंदर क्या कंटेंट है, कौन से फाइल हैं, कौन से फोल्डर हैं, उसको लिस्ट करने के लिए हम LS कमांड का यूज़ करते हैं। ये देख सकते हो, LS कमांड से geekyme फोल्डर के अंदर जो यूज़र का फोल्डर है हमारा एंड उसके अंदर कौन कौन से फोल्डर, एंड्रॉयड डॉक्यूमेंट लाइटवर्क एंड ये डेटा डाउनलोड्स, ये सारे फोल्डर इसने लिस्ट कर दिए और एक ये वीडियो फाइल है, राइट। गाइस, हम एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ, एक कमांड है। गाइस, अगर आप किसी भी कमांड के बारे में हेल्प चाहते हैं तो आप क्या करोगे, हेल्प कमांड का यूज़ कर सकते हो। हेल्प कमांड को कैसे यूज़ करना है आपको, जैसे कि अब मुझे LS कमांड की हेल्प चाहिए, LS टाइप करूँगा देन स्पेस डैश डैश हेल्प। ये देखिए, ये हेल्प पेज खुल के आ गया है LS कमांड का। ये देख सकते हो आप, काफ़ी सारे इसके अंदर ये बता रहा है यहाँ पर, लिस्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द फाइल्स द करंट डायरेक्टरी बाई डिफ़ॉल्ट। LS स्पेस डैश ए का यूज़ करेंगे हम तो ये सभी फाइल्स फोल्डर को लिस्ट करेगा और ये अगर डॉट से भी स्टार्ट होती हैं फाइल उनको भी फोल्डर, तो उन्हें भी ये लिस्ट करेगा। इसका क्या मतलब है, जो डॉट से जो फोल्डर होते हैं, डॉट से स्टार्ट होते हैं, वो हिडन फोल्डर होते हैं, तो ये हिडन फोल्डर भी शो करेगा। और भी हैं इसके अंदर काफ़ी सारे ऑप्शन हैं इसके अंदर, जैसे कि L यूज़ ए लॉन्ग लिस्टिंग फॉर्मेट, तो मैं यूज़ करके दिखाता हूँ इसको आपको। और गाइस, एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ, जैसे कि ये स्क्रीन देखिए आपकी पूरी भर गई स्क्रीन, तो इसको क्लियर करने के लिए आप क्लियर कमांड का यूज़ कर सकते हो, राइट। अब हम यूज़ करेंगे LS स्पेस LA, तो देखिए लिस्ट के अंदर इसने सारे जो भी फोल्डर हमारे इवन दो हिडन फोल्डर्स को भी शो कर रहा है, देखिए डॉट डॉट डॉट, राइट। और मैं विदाउट LK यूज़ करके दिखाता हूँ इसको आपको, तो ये देख सकते हो क्या डिफरेंस है, ये कॉलम वाइज दिखा रहा है, वैसे लिस्ट वाइज दिखा रहा था आपको, तो क्लियर कर देता हूँ मैं। गाइस, अब मैं बताता हूँ आपको नेक्स्ट कमांड के बारे में, जैसे कि हम लिस्ट कर लेते हैं पहले। अभी आप जो जिस वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर हो, उस वर्किंग डायरेक्टरी से आप दूसरी वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर आप जाना चाहते हो, उसके अंदर आप फाइल को ही देखना चाहते हो कौन सी फाइल कौन से फोल्डर हैं, तो आप कौन सी कमांड का यूज़ करोगे, उसके लिए कमांड का यूज़ करोगे CD। CD का मतलब है चेंज डायरेक्टरी। CD कमांड आप CD टाइप करोगे देन जिस भी फोल्डर के अंदर अभी आपको जाना है, सपोज़ मुझे डेस्कटॉप के अंदर जाना है, तो स्पेस CD स्पेस और ये डेस्कटॉप का जो पहला लेटर है वो कैपिटल है, तो वैसे ही सेम टाइप करना है हमें। और अगर हम टैब मारेंगे तो ये ऑटो फिल कर देगा और एंटर मारेंगे तो देख सकते हो आप, ये हम डेस्कटॉप फोल्डर के अंदर आ गए एंड यहाँ से फाइल हम लिस्ट कर सकते हैं। डेस्कटॉप के अंदर एक डेस्कटॉप का फोल्डर है एंड फॉन्ट डॉट जीपी ये फोल्डर है, राइट। अब हम इस डायरेक्टरी के अंदर आ तो गए, अब हमें वापस बैक जाना है, तो कैसे जाएंगे हम, इसके लिए टाइप करेंगे CD स्पेस और दो बार डॉट,
तो ये बैक आ गए हम, और इस कमांड को और थोड़ा एक्सप्लोर करता हूँ मैं अब जाता हूँ जैसे डाउनलोड फोल्डर के अंदर, सीडी डाउनलोड, एंड यहाँ से सर्च करता हूँ। अब मैं सीडी होल्ड एंड डाउनलोड्स, तो अब देखिए यहाँ एरर आ रहा है, ये टू मैनी आर्गूमेंट्स ये बता रहा है। ऐसा क्यों एरर आ रहा है मैं बताता हूँ आपको। जैसे कि ये जो ओल्ड डाउनलोड्स नाम का फोल्डर है, तो ओल्ड और डाउनलोड इसके बीच में ये स्पेस है, तो स्पेस को ये ऐसे करके आप किसी भी, अगर किसी फोल्डर के अंदर स्पेस है तो आप ऐसे नहीं एंटर कर सकते, उसके लिए आपको एक स्पेशल करेक्टर का यूज़ करना पड़ता है, स्पेशल सिंबल का यूज़ करना पड़ता है। मैं बताता हूँ, सी डी ओल्ड स्लैश, इसमें देखिए आप ये आप टैब मारोगे तभी भी आप पहुंच जाओगे, या फिर अदरवाइज आप टैब नहीं मारते हो, तो मैंने अभी टैब मार दिया है, ओल्ड और ये बैकवर्ड स्लैश देन स्पेस देन आप डाउनलोड्स ये टाइप करोगे, देन एंटर मारोगे आप, देन आप इस फोल्डर के अंदर आप पहुंच गए। अब सपोज़ कीजिए आप, जैसे कि अब एक फोल्डर पीछे जाना चाहते हो आप, तो सी डी स्पेस और ये दो बार डॉट करोगे तो एक फोल्डर पीछे जाओगे। बट अगर आप बिल्कुल स्टार्टिंग वाले फोल्डर पे जाना चाहते हो तो कैसे जाओगे आप, सिंपली आप सीडी टाइप करोगे और बिल्कुल होम फोल्डर पे आप पहुंच जाओगे। राइट, क्लियर कर देता हूँ मैं कमांड। तो नेक्स्ट कमांड है वो है mkdir। mkdir कमांड का क्या यूज़ होता है मैं आप बताता हूँ आपको। mkdir का मतलब होता है मेक डायरेक्टरी। तो मैं पहले चेंज कर लेता हूँ, डेस्कटॉप पे आ जाता हूँ, एंड एम के डी आई आर से मैं डायरेक्टरी बनाता हूँ। एम के डी आई आर टाइप करेंगे हम, देन स्पेस, जिस जो भी हमको नाम देना है डायरेक्टरी का वो नाम देंगे हम। जैसे मैं नेम दे देता हूँ सैम्पल, तो ये देख सकते हो सैम्पल नाम की डायरेक्टरी क्रिएट हो गई है। राइट, यहाँ से भी लिस्ट कर सकते हैं, ये देख सकते हो आप, चेंज कर सकते हैं हम सैम्पल डायरेक्टरी के अंदर जाके हम एक और डायरेक्टरी क्रिएट कर सकते हैं सैम्पल टू। इसके अंदर हम जा सकते हैं, कुछ भी नहीं है, एम्प्टी है। राइट, और डायरेक्ट हम एक स्टेप पीछे जा सकते हैं और एक स्टेप और पीछे जा सकते हैं ऐसे करके। राइट, ओके गाइस, अब इसके बाद में हम किसी डायरेक्टरी को, हमने डायरेक्टरी बना तो ली एंड इसको हम रिमूव करना चाहते हैं, तो कैसे रिमूव करेंगे इसके लिए, अगर इसके लिए कमांड का यूज़ करेंगे rmdir, रिमूव डायरेक्टरी। एंड जिस डायरेक्टरी को हमको रिमूव करना है, जैसे सैम्पल को मुझे डिलीट करना है, तो ये सैम्पल को हमने डिलीट किया लेकिन ये डिलीट नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि फेल टू रिमूव सैम्पल डायरेक्टरी नॉट एम्प्टी। rmdir कमांड का यूज़ तभी आप कर सकते हो अगर डायरेक्टरी आपकी एम्प्टी है। तो एम्प्टी डायरेक्टरी कौन सी है हमारी, ये हमारी सैम्पल टू। पहले तो हमें उसमें जाना पड़ेगा सैम्पल के अंदर, एंड इसके अंदर है सैम्पल टू। अब हमें ये सैम्पल टू डिलीट करके दिखाता हूँ आपको, ये देख सकते हो आप, अब ये रिमूव हो चुकी है, कुछ भी नहीं आ रहा। ठीक है, ये देख सकते हो सैम्पल के अंदर है, ls कर रहे हैं हम, तो कोई भी इसके अंदर नहीं आ रहा। एक और डायरेक्टरी क्रिएट करके मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। जैसे अब मैं पीछे जाता हूँ, डेस्कटॉप पे अब मैं पहुँच गया, एंड डेस्कटॉप के अंदर यह सैम्पल नाम की डायरेक्टरी है, एंड इसके अंदर एक और सैम्पल टू के नाम की डायरेक्टरी है। जो हमने पीछे वाली कमांड यूज़ की थी rmdir, उससे सिर्फ हम एम्प्टी डायरेक्टरी को रिमूव कर सकते हैं, बट आप अगर किसी ऐसी डायरेक्टरी को रिमूव करना चाहते हैं जिसके अंदर कोई फाइल है, कोई फोल्डर है, तो उसके लिए आप कौन सी कमांड का यूज़ करोगे, उसके लिए कमांड का यूज़ करोगे rm, सिंपल। ठीक है, देन उसके बाद में स्पेस एंड r, राइट, एंड इसके बाद में डायरेक्टरी का नाम, एंटर मार दोगे आप। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो डायरेक्टरी रिमूव हो चुकी है।
बट ये कमांड का आप यूज़ बहुत ही केयरफुली कीजिएगा, क्योंकि अगर आप कुछ और दूसरी चीज़ डिलीट कर सकते हो तो मे बी वो दोबारा आपको ना मिल पाए वो, राइट। तो इस कमांड को आपको बहुत ही केयरफुली यूज़ करना है। तो मैं क्लियर कर देता हूँ, एंड इसके बाद में जो नेक्स्ट कमांड है वो है टच। टच कमांड का क्या यूज़ होता है? टच कमांड से हम किसी फाइल को बना सकते हैं। तो उसको कैसे बनाते हैं? टच कमांड लिखेंगे हम स्पेस, एंड जो भी फाइल का हमको नेम देना है, जैसे कि पहले मैं एक फोल्डर बना देता हूँ, एक डायरेक्टरी बना देता हूँ, सैंपल राइट। यहाँ पर मैं एक फाइल वन डॉट डॉट टी एक्स टी बनाता हूँ, एंड एलएस करता हूँ। आप तो ये देख सकते हो, आप फाइल वन डॉट टी एक्स टी ये क्रिएट हो गई है। तो ऐसे हम किसी भी एक्सटेंशन की फाइल क्रिएट कर सकते हैं, एंड इस फाइल के अंदर एडिट करना है हमको, कुछ चीज़ लिखनी है, तो कैसे करेंगे हम? तो उसके लिए हम टाइप करेंगे कमांड नैनो। नैनो एडिटर है इसके अंदर, नैनो या जी एडिट का भी यूज़ कर सकते हो आप। नैनो फाइल वन डॉट टी एक्स टी, तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपको मिल जाएगा, राइट। इस टाइप का इंटरफेस मिलेगा, एंड जो भी टाइप करना है आपको, दिस इज द फर्स्ट लाइन, ठीक है। एंड इसको आप यहाँ देख सकते हो, आप कंट्रोल के साथ में आप के यूज़ करोगे तो कट टेक्स्ट हो जाएगा, और पेस्ट करना है उसको तो पेस्ट टेक्स्ट कर सकते हो। कंट्रोल के करता हूँ मैं, एंड कंट्रोल यू, एंटर, कंट्रोल यू, राइट। तो ऐसे करके आप जो भी लिखना चाहोगे, आप ऐसे करके आप जो भी आपने चेंजेस कर लिए, एंड आप चाहते हो सेव करके बाहर आना, तो आप कैसे करोगे? इसके लिए आप यहाँ देख सकते हो राइट आउट, तो कंट्रोल और ओ प्रेस करना है, देन एंटर मारना है, राइट। अभी ये राइट आउट हो गया, एम कंट्रोल और एक्स। तो अब हमें देखना है इस फाइल के अंदर हमको क्या है, मतलब हमने जो भी इस फाइल के अंदर हमने क्रिएट किया, सपोज कीजिए आपको नहीं पता तो आप कैसे इसको देखोगे? उसके लिए कमांड है कैट फाइल वन डॉट टी एक्स टी। तो आप देख सकते हो ये यहाँ पर लिस्ट हो गई है जो भी कंटेंट है। तो गाइस जो नेक्स्ट कमांड है उसको बताने के लिए मैं पीछे जाता हूँ, पहले डेस्कटॉप पे। एंड जो दूसरी मैं कमांड बताने वाला हूँ वो भी लिस्टिंग के लिए आती है, कोई भी फाइल आप रीड कर सकते हो। तो उसके लिए मैं एक काम करता हूँ, पहले अगली एक कमांड बता देता हूँ आपको। जैसे कि डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप के अंदर ये फॉन्ट डॉट जिप नाम की ये जिप फोल्डर है। अब मैं बताता हूँ इसको अनजिप कैसे कर सकते हो आप कमांड लाइन से। तो अनजिप करने के लिए सिंपल है बहुत, अनजिप टाइप करोगे एंड फॉन्ट एंड टैब मारोगे, तो एंड देन इसके बाद में एंटर मारोगे। तो ये देख सकते हो कि ये सारी फाइलें यहाँ पर जो भी फोल्डर है वो एक्सट्रैक्ट हो चुका है, राइट। एंड यहाँ आप देख सकते हो एक SIL ओपन फॉन्ट लाइसेंस डॉट टी एक्स टी नाम की फाइल है। तो और यहाँ भी मैंने एक कैट फाइल आपको दिखाई थी, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि और भी दूसरी जो कमांड है कैसे आप फाइलों को रीड कर सकते हो, और वो भी अलग अलग कैसे काम करती हैं ये। तो मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूँ कैट कमांड का यूज़, जो कि मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, लेकिन बट अभी थोड़ी लॉन्ग फाइल है तो मैं दिखाता हूँ इसको SIL, एंड इसको ओपन करता हूँ। ये देखिए कैट कमांड से जो भी फाइल होती है आपको ये लॉन्ग फॉर्मेट में जो भी पूरी फाइल ये आप रीड कर सकते हो, सारी फाइल ओपन करके आपके सामने रख देता है सब। बट अगर ये फाइल काफ़ी ज़्यादा अगर बड़ी होती है तो आप उसको रीड करने में दिक्कत होगी बहुत ज़्यादा आपको, ठीक है। तो इसके लिए एक और कमांड होती है हेड, हेड, एंड इसके बाद में आप ये टाइप करोगे एंड एंटर मारोगे आप। तो हेड कमांड का जो यूज़ होता है ये देखिए हेड और फाइल जो भी आपको रूट करनी, तो ये ऊपर का जो भी टेक्स्ट होता है ये ऊपर का शो करता है, ठीक है, ऊपर की कुछ लाइनें शो करता है। क्लियर कर देता हूँ मैं। एंड अगर आपको नीचे का फाइल के अंदर क्या है मतलब मटेरियल, तो आप टेल कमांड का यूज़ करोगे,
तो ये देख सकते हो आप, जो भी ये नीचे का टेक्स्ट है ये आपको दिख जाएगा। तो कैट हेड और टेल ये कमांड के अंदर ये डिफरेंस है। गाइस जो अगली कमांड है वो है कॉपी करने के लिए। अगर कोई भी फाइल आपको कॉपी करनी है वो आप कैसे करोगे, तो मैं इसके लिए चला जाता हूँ सैम्पल फोल्डर के अंदर, जिसके अंदर हमने ऑलरेडी फाइल क्रिएट की है। तो फाइल वन डॉट टी एक्स टी हमने ये क्रिएट की, इस फाइल को मैं कॉपी करूँगा। तो जैसे कि कॉपी करने के लिए टाइप करेंगे cp स्पेस एंड इसके बाद में फाइल का नाम फाइल वन डॉट टी एक्स टी, एंड किस फाइल के अंदर हमें इसको कॉपी करना है उसका नाम, जैसे फाइल टू डॉट टी एक्स टी के अंदर मेरे को कॉपी करना है। ठीक है, ऐसी फाइल हमने अभी बनाई नहीं है, बट ये क्या करता है कि अगर ये इस नाम की फाइल है तो इस नाम की फाइल के अंदर ये कॉपी कर देगा इसका इसका जो भी कंटेंट है, एंड अगर नहीं बनाई है आपने तो ये न्यू फाइल क्रिएट कर देता है। एंड एंटर मारूंगा मैं और ls करता हूँ, तो आप देख सकते हो फाइल वन डॉट टी एक्स टी एंड फाइल टू डॉट टी एक्स टी ये फाइल क्रिएट हो चुकी है। अब हम पढ़ लेते हैं इसके अंदर फाइल टू डॉट टी एक्स टी के अंदर, तो ये देख सकते हो फर्स्ट लाइन सेकेंड लाइन थर्ड लाइन। तो ये हमने जो फर्स्ट फाइल वन डॉट टी एक्स टी का कॉन्टेंट था ये कॉपी कर लिया है। बट इसके अंदर क्या किया हमने, जब क्या कहते हैं हमने इसको कॉपी किया तो इसने प्रोसेस दिखाया नहीं। अगर हम चाहते हैं कि जो भी हमने प्रीवियस मतलब कॉपी किया वो हमको उसकी डिटेल हमको इन्फॉर्मेशन शो हो स्क्रीन पे, मैं क्या बात कर रहा हूँ मैं बताता हूँ आपको। जैसे कि मैं फाइल टू डॉट टी एक्स टी को कॉपी करता हूँ फाइल थ्री डॉट टी एक्स टी के अंदर, एंड अब मैं इन्फॉर्मेशन भी प्रिंट करूँगा। ये देख सकते हो आप, मैं इस इन्फॉर्मेशन की बात कर रहा हूँ कि अब यहाँ ये शो हो रहा है कि फाइल टू डॉट टी एक्स टी अभी एक इसकी जो इन्फॉर्मेशन कॉपी हुई है ये फाइल थ्री डॉट टी एक्स टी के अंदर कॉपी हुई है। ठीक है, तो हम इसको देख लेते हैं, ये देख सकते हो आप। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन के साथ में ये कॉपी करेगा ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ और ये कॉपी हुआ है। राइट गाइस, सो गाइस जो नेक्स्ट कमांड है वो है मूव कमांड। तो मूव कमांड का कैसे यूज़ होता है, जैसे कि सपोज कीजिए ls कर लेते हैं हम, अब हम करते हैं mv move एंड फाइल, पहले मैं कुछ फाइलें ये रिमूव कर लेता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास अब सिर्फ एक फाइल है फाइल वन डॉट टी एक्स टी, अब इसको हमें मूव करना है। तो मूव कमांड का कैसे यूज़ करेंगे, एम वी स्पेस फाइल वन डॉट टी एक्स टी एंड स्पेस एंड जिस फाइल के अंदर हमें मूव करना है फाइल टू डॉट टी एक्स टी। ठीक है, तो ये अवेलेबल करेंगे, देखिए अब ये जो फाइल है हमारी फाइल वन जो हो गई वो टोटली मूव हो गई है फाइल टू डॉट टी एक्स टी पे। इसको हम फाइल टू डॉट टी एक्स टी ये देख सकते हैं, ये देख सकते हो अब इसके नाम का कोई भी फोल्डर नहीं है, सॉरी फाइल नहीं है, फाइल वन डॉट टी एक्स टी की कोई भी फाइल नहीं है, हमको हमने उसको मूव कर लिया। तो गाइस इतनी सारी अभी मैंने आपको कमांड बताई और मैं अभी भी दो चार कमांड मैं और बताने वाला हूँ आपको, तो मैं उसके लिए बिल्कुल बैक चला जाता हूँ और क्लियर कर देता हूँ इसको। ठीक है, एंड एक चीज़ एक और मैं प्रीवियस कमांड को और फॉरवर्ड करके बताता हूँ, जैसे कि आपने एम वी कमांड का यूज़ किया हेल्प के साथ में, तो एक और कमांड है मैन एंड एम वी। मैन का मतलब होता है मैनुअल, तो आपको इस कमांड का मैनुअल बताएगा आपको, जैसे हेल्प का यूज़ होता है जैसे हेल्प होता है सेम लाइक उसी तरीके का होता है, बट ये थोड़ा सा अलग, ये देख सकते हो इसका टैक्स सही नहीं दिख रहा है थोड़ा, ये भी सेम चीज़ बताता है। राइट, तो मैं क्यू प्रेस कर देता हूँ और क्लियर कर देता हूँ। तो गाइस अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप उबंटू उसके पैकेजेस को कैसे अपडेट करोगे, उसके लिए कमांड है sudo apt
डैश गेट अपडेट। इस कमांड से क्या होता है कि आपके जो भी पैकेजेस होते हैं वो अपडेट हो जाते हैं। सूडो को क्या मतलब है, सुपर यूज़र डू, और एप्ट जो है, एप्ट हमारा पैकेज मैनेजर है, एंड हम गेट रिक्वेस्ट भेज रहे हैं एंड अपडेट कर रहे हैं, ठीक है। इसको एंटर मारेंगे तो पासवर्ड पूछेगा हमसे, तो हम पासवर्ड ऐड कर डालेंगे, एंटर मारेंगे, एंड ये वर्किंग होगी। एंड अगर आपके पैकेजेस अपडेट नहीं है तो इससे अपडेट हो जाएंगे। एंड इसके साथ में यूज़ करते हैं हम सूडो एप डैश गेट अपग्रेड। तो हम इससे हमारे पैकेजेस जो होते हैं वो अपग्रेड हो जाते हैं। एंड इसके बाद में जो कमांड है गाइस वो है शटडाउन। शटडाउन कमांड का यूज़ हम सिस्टम को शटडाउन करने के लिए करते हैं। एंड इसके बारे में हेल्प देख लेते हैं हम, देख सकते हो आप शट डाउन द सिस्टम, एंड हेल्प दिखाएगा इससे, हॉल्ट से हॉल्ट द मशीन, मतलब पावर ऑफ हो जाएगी ये मशीन, एंड पी से पावर ऑफ हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि मैं शट डाउन और एच का यूज़ करूँगा तो ये देख सकते हो शट डाउन स्केड्यूल फॉर थर्सडे, और ये टाइम दिखा रहा है कि इतने टाइम में शट डाउन हो जाएगा, और शट डाउन को कैंसिल करना है तो हम शट डाउन और ये सी कमांड का यूज़ करेंगे तो शट डाउन कैंसिल हो जाएगा। और सिस्टम को रिबूट करना है तो हम रिबूट कमांड का यूज़ करेंगे। रिबूट करके जैसे ही एंटर मारूंगा मैं, ये सिस्टम रिबूट होने लग जाएगा, बट मुझे रिबूट नहीं करना। एंड गाइस जो लास्ट कमांड है वो है एग्ज़िट। एग्ज़िट कमांड से हम टर्मिनल से एग्ज़िट हो जाते हैं, राइट। सो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर सकते हो। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्थी, स्टे फिट, कीप लर्निंग एंड गुड बाय।